नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग होनी है और राज्य में सियासत तेज हो चुकी है, लिहाजा अब बात करते हैं उत्तराखंड की सियासत की खबरों की। सीएम हरीश रावत और कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बीच आर पार की जंग जारी है। हरीश रावत के चुनावी संकल्प पर निशाना साधते हुए बहुगुणा ने कहा है कि हरीश रावत की घोषणाएं गिनीज बुक में शामिल हो सकती हैं और अगर वो 3 बार भी सीएम बने तो अधूरी घोषणाएं पूरी नहीं कर सकते हैं। पूर्व सीएम बहुगुणा के मुताबिक सीएम रावत की अभी तक केवल 10% घोषणाएं ही पूरी हो चुकी हैं। और बहुगुणा यही नहीं रुके, उन्होंने हरीश रावत की हार का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उनके खिलाफ जांच भी बिठाई जाएगी। कांग्रेस माने हरीश रावत, जो हरीश रावत के मूड आता है वो करते हैं, शाम को कुछ सोचते हैं सुबह कुछ सोचते हैं, लेकिन ये उनके अंदर का मामला है। मैं इतना खाली कह सकता हूँ कि इनकी करारी हार होने वाली है, इसीलिए मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं कि जितनी घोषणाएं उन्होंने करी उतनी शायद ही किसी ने प्रदेश में नहीं की होंगी। और ये जो घोषणाएं कर गए बिना बजट के, बिना प्रस्ताव के, ये घोषणाएं उनके जो है गले का फंदा बनेगी, क्योंकि आप उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। रावत जी के ऊपर जब नई सरकार आएगी तब उनकी जो है, जब उन पर जांच बैठेगी तब आपको पता चलेगा कितना अहित इन्होंने इस प्रदेश का किया है। वहीं से पहले विधानसभा चुनाव में कमर कस चुकी कांग्रेस ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले मिनी मैनिफेस्टो जारी किया, जिसे रावत के संकल्प का नाम दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 9 संकल्प जारी किए। ये 9 संकल्प मैं जारी कर रहा हूं। इन 9 संकल्पों में जो पहला संकल्प है, हम युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। एक 5 साल का कार्यक्रम बना करके शिक्षण के बाद यदि उनको काम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, तो उनको हम 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने फैसला किया है कि हम गांव तक आपदा तंत्र को लेकर के जाएंगे और प्रत्येक गांव में 5 आपदा मित्र नियुक्त करेंगे, 5 आपदा मित्र नियुक्त करेंगे। तीसरे संकल्प के रूप में हर गांव तक बिजली, पानी और सड़क। बिजली हम मार्च 2018 तक और सड़क और पानी मार्च 2019 तक सब जगह पहुंचाने का रोड मैप बना लेंगे। महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में हम जो डिफरेंट आरक्षण की कैटेगरीज हैं, उन्हीं कैटेगरीज के अंदर एक सुनियोजित प्रयास के जरिए, जिसमें प्रशिक्षण, कोचिंग, एजुकेशनल स्टाइफंड आदि सब सम्मिलित होगा, हम अगले 5 सालों में 33% सरकारी जॉब्स में महिलाएं नियुक्त। पर्यटन में बनेंगे बेमिसाल, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। और हमने अगले 5 सालों में हम पर्यटकों की संख्या उत्तराखंड में आने वाली इसको 3 गुना तक ले जाएंगे, ताकि पर्यटन हमारी आर्थिक उन्नति का मेन बैकबोन बन सके। नौजवान दोस्तों के लिए हम फ्री स्मार्टफोन, ये छठे हम चाहते हैं, हम एक डिजिटल स्टेट के रूप में दिखाई दे, हमारी नई पीढ़ी डिजिटल वेस्ट है, ओरिएंटेड है, और हम उनको, ताकि गरीब घरों के साधनहीन बच्चे भी जो है
उसका इस्तेमाल कर सकें कि हमने रिकॉर्ड टाइम में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का कानून बना करके लोगों को मालिकाना हक देने के अधिकार पत्र बांटने की शुरुआत कर दी है और 2017 में हम सभी मलिन बस्तियों के रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दे देंगे। हमने ये तय किया है कि सभी तरीके की कम्पिटिटिव सर्विसेज के लिए हम कोचिंग देने हेतु पृथक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे और पहले साल 2017 में एक कुमाऊं अंचल में एक गढ़वाल अंचल में हम प्रारंभ करेंगे। हमारा संकल्प जो है हम 2017 में मार्च के महीने में ही अपने सैन्य और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए के कल्याण के काम के लिए पृथक मंत्रालय का गठन करेंगे और इसके लिए मंत्री डेजिग्नेट किया जाएगा। चुनाव आयोग ने उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के खिलाफ नोटिस जारी किया है। नोटिस आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने रावत को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड में आपको बता दें हरीश रावत को चुनाव आयोग का सीएम हरीश रावत को अब जवाब देना होगा। आचार संहिता उल्लंघन का पूरा मामला है जिसमें अब जवाब देना होगा। 48 घंटे का समय दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से इस पर जवाब देने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता माधवा सिंह कंडारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कंडारी के कांग्रेस में जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। माधवर कंडारी जी के राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। वो हमारी पार्टी के प्रमुख नेता थे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कार्यकर्ता ने फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका हमारे पार्टी के लिए योगदान था, उनके व्यक्तित्व में हमारा योगदान था। हमारे बाकी सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के अच्छे दिन हैं। उत्तराखंड में सत्ता आ रही है, सब कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुटकर एकजुटता से हम इस चुनाव में सामने जा रहे हैं।